नमस्कार दर्शकों, मैं किरण वशिष्ठ तुहाडा स्वागत करता खबर बात दुपहर दे विच। ते गल करदे आ पंजाब दे विच हिंदू संगठनों की। पंजाब दे विच हिंदू संगठनों नूं आए दिन गर्म ख्यालियां वालों धमकियां मिलदियां रहिंदियां ने। कदी जानों मारन की धमकी मिलती है, तो कदी उन्होंने उपर इस तरह की धमकियां मिलती कि उन्होंने घरों बाहर निकलन तक दी भी धमकियां दी जाती ने। तो इसे दे चलते हुए कपूरथला तो हुण खबर आ रही है जिथे शिवसेना बाल ठाकरे के प्रधान नूं धमकी मिली है कांग्रेस के लोगों वालों। तो यह की है धमकी, तुसीं वी वेखो खबर। कपूरथले शहर के मेरे मिसेज कौंसलर बने हैं, इस करके जिहड़ा प्यारा लाल जी हैगा वो साढ़े कुलदीप माणक ते झूठे एलीगेशन ला रहा वा। असी पार्टी कांग्रेस पार्टी नाल संबंधित हैगे हैं और ये बंदा बच्चों झूठे केसां दे विच जे झूठे परचे देने का आदि हो चुका वा। और इसे बिहेवियर के उत्ते इहनूं मैं पुछिया सी, DSP कोल मीटिंग हुई सी, असीं इहनूं पुछिया सी, प्यारा लाल जी तुसीं साडे बच्चे नूं इस जगह तक लैके आए हैं, बहुत माड़ा करदे हैं, इस करके आप भी कानूनी कार्रवाई करदे हैं, जो प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा वो सानूं मंजूर है। मैं जी तकरीबन 16-17 तरीक की गल है, मैं जलोखा ने अपने निजी काम लिए जा रहा सी, ते रस्ते विच मैनू प्यारा लाल जी तो उन्हां दे बेटा नीरज कुमार मिलिया। तो किसी विषय पर मैं उन्होंने गल करनी की कोशिश की, कोई गल सी तो वो करके तैश विच आ गए। तैश विच आ के इन्होंने मैनू माड़े चंगे शब्द बोले और मैनू गाली गलोच किया। तो फिर इन्होंने मैनू कहा भी मैं रिटायरिंग इंस्पैक्टर हाँ, तो पंजाब का शिवसेना बाल ठाकरे का उप प्रधान हाँ, तो मैं अपने अहदे का प्रयोग करके कल तेनू फसाऊंगा। तो मैं इन्होंने मेरे उत्ते एक दरखास्त दी, तो मैं भी अपने वक्ख रखने लई प्रशासन को एक दरखास्त दी भी कल कोई भी कार्रवाई करन तो पहला उसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए है। तो मैनू प्रशासन पर यकीन है जी, काम नागरिक होने के नाते मेरा दूर दूर तक किसी भी पोलिटिकल पार्टी या किसी भी पोलिटिकल स्टेज ना कोई लैण देन नहीं है। मैनू न्यायपालिका ने सारे मुकदमिया बाइज्जत बरी किया होया वा जी, जबकि मेरे कोल खुद प्यारा लाल जी दे कुछ नजायज़ नशा तस्करां नाल सबूत आ। लोड़ पैण ते मैं प्रशासन नूं साबित भी कर सकदा, दस भी सकदा भी इहदे नशा तस्करां नाल संबंध वा। सो कपूरथला DSP साहब का कहना है कि इस मामले के उपर असीं पूरी जांच कर रहे हैं, तो जो मीडिया के विच खबरां आउंदियां ने उन्हां खबरां के आधार के उपर भी जांच की जाए कि आखिरकार ये खबर किन्नी क सच्ची है। तो दूसरे पासे उन्होंने नाल यह कहा कि जो धमकियां मिल रही ने उन्होंने धमकियों के उपर भी असं ध्यान देवे कि आखिरकार ये धमकी किसी रंजिश करके दी जा रही है या कोई राजनीतिक तौर के उपर दी जा रही है। सो दर्शकों, अगर तुहाडे कोल भी कोई जी खबर है जो तुसीं साडे चैनल पर विखाना चाहते हो तो सानूं संपर्क कर सकते हो 6280-3837-30 के उपर, तो सानूं ईमेल भी कर सकते हो खबर बात दोपहर @gmail.com से। इसे तरह वेखते रहो एवन पंजाबी निडर निरपक्ष से नवी सोच से वेखते रहना एवन न्यूज़ हर सच तुहाडे तक। तो जंद जाते एक गुजारिश कि साडे चैनल को सबसक्राइब करना ना भुल्यो। If you like this video, please subscribe the channel, like and share this video. Even Punjabi da sare darshakan nu desh videsh diyan sangatan nu tohfa. Even Punjabi utte koi vi dharmik samagam ya pendu khedan live karwa sakde ho sirf 15000 rupaye vich. Ji haan, sirf 15000 rupaye vich tuhanu multi setup de naal mixer de naal milega worldwide live on Even Punjabi TV. ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ।